सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और न्यू जीड वेब की कमाल की वीडियो में। एंड गाइस पता है सिंचन और हम लोग आए हैं बीच पे, बट एक सेकंड सिंचन तू उल्टा बीच को क्यों देख रहा है? अरे मैं उल्टे तरफ से बीच को देख रहा हूँ, अपने पीछे की तरफ से। अरे यार सिंचन, तो पीछे की तरफ से बीच कैसे देख सकता है भाई साहब? इसको समझाना ना, मतलब बहुत ही बड़ा सिर दर्द है। अरे यार हम लोग यहाँ पे बीच में आए, बहुत ही मस्ती कर रहे हैं और बहुत ही मजा कर रहे हैं। अरे फ्रैंकली भाई एक काम करिए, मुझे पकड़ के दिखाइए, मैं भाग रहा हूँ। देखना दोस्तों फ्रैंकली भाई मोटे हो चुके, मुझे पकड़ ही नहीं सकते, देख लेना। अरे यार सिंचन मुझे मोटा बोल के भाग गया, बट एक सेकंड भाई साहब सिंचन इतना छोटा और कितना तेजी से भाग गया। अरे सिंचन तू कहाँ चला गया भाई, ये तो नजर ही नहीं आ रहा भाई, ये कितना दूर चला गया। सच में यार सिंचन तो बहुत ही तेज दौड़ता है, क्या मैं मोटा हो चुका हूँ? गाइस नीचे कमेंट करके लिखो क्या मैं सच में मोटा हो चुका हूँ। नहीं 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 मैं मोटा थोड़ी ना हो चुका हूँ भाई साहब। सिंचन कहाँ है? वो देखो वो रहा सिंचन, एंड वहाँ पे क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। वो जगह पे सिंचन क्या कर रहा है? अरे सिंचन तू वहाँ क्या कर रहा है? अरे फ्रैंकली भाई देखिए यहाँ पे गाड़ी है। अरे यार इस जगह पे गाड़ी कैसे हो सकती है? अरे मैं भी वही सोच रहा हूँ, यहाँ पे गाड़ी कौन छोड़ के चला गया, कोई पागल ही होगा। अरे यार मुझे भी ऐसा लग रहा है, पर एक सेकंड कि गाड़ी एकदम अजीब टाइप की क्यों लग रही है यार? मतलब कि एकदम अजीब कलर की है और अलग डिजाइन है, ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये हम लोग की जगह की गाड़ी है। अरे क्या कहना चाहते, मतलब गाड़ी बाहर से आई है? अरे हाँ यार मुझे नहीं लगता यार लॉस सैंटोस की गाड़ी है, क्योंकि भाई यहाँ पे ऐसी गाड़ी चलती नहीं है, मिलिट्री वाले लोग भी ऐसी गाड़ी यूज नहीं करते। आज एक काम करते इसके अंदर बैठ के तो देखते हैं इसके अंदर है क्या। अरे हाँ मैं भी बैठूंगा। अरे वाह अंदर तो बहुत ही जगह है। अरे यार ये गाड़ी तो कमाल की है, ये गाड़ी तो दोनों तरफ से आगे पीछे हो रही है। चलो इसे लेके जाता हूँ और भाई इसे देखता हूँ। भाई यार ये तो खतरनाक गाड़ी है, ये तो बहुत ज्यादा महंगे में बिकेगी। अरे क्या फ्रैंकली भैया, कोई भी सामान मिलता है उसको बेचने में क्यों तुल जाते हो? ए तुम लोग दोनों सुन लो, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, अगर तुम मुझे बेचोगे तो मैं तुम्हें ये गोली से धुन डालूंगा। अरे बाप रे ये क्या देख लिया सिंचन भाई, ये तो एक चलता चलता रोबोट बन गया। अरे हाँ ये क्या देख लिया मैंने, ये तो रोबोट बन गया। अरे बाप रे ये तो बहुत ही डेंजर है। ए तुम लोग दोनों डर क्यों रहे हो? लगता है ये लोगों ने आज से पहले इतना ताकतवर रोबोट की देखा ही नहीं। अरे बच्चे लोग डरो मत, मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। अरे यार भाई ताकत तुका छोड़ो भाई, तुम गाड़ी से रोबोट कैसे बन गए? ए अच्छा तुमने ट्रांसफॉर्मर मूवी नहीं देखी क्या? अरे हाँ फ्रैंकली भैया आपको याद नहीं क्या, ट्रांसफॉर्मर मूवी में ये भी तो थे। अच्छा भाई ये लोग ट्रांसफॉर्मर है, तभी मैं सोचूं भाई ये ऐसा अजीब तोंद वाला कौन था ट्रांसफॉर्मर निकल गया। ए ये तो मुंह पे बेइज्जती मारता है फ्रैंकलिन कहीं का। अरे यार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ए मुझे तुम दोनों का नाम पता है, इसका नाम है सिंचन और तुम्हारा नाम है फ्रैंकलिन। याद करो बहुत पहले बम्बल बी और ट्रांसफॉर्मर आए थे लॉस एंटस, तो तुम उनकी मदद किए थे। अरे हाँ हमें याद है। अरे फ्रैंकलिन भैया हम लोग ने मदद नहीं किया था ट्रांसफॉर्मर की और बम्बल बी की। अरे हाँ यार हम लोग ने ऑप्टिमस प्राइम को भी बचाया था लड़ाई करके, और भाई बम्बल बी को भी मदद किया था। याद आ गया तुम उसी के टीम मेंबर हो क्या? अब तुम सही समझे, बट इस बार उससे भी बड़ी मुसीबत लॉस एंटोस में आने वाली है, इसीलिए मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो बम्बल भी कहाँ है और ट्रांसफॉर्मर कहाँ है? वो तो मुझे भी नहीं पता, वो इस ग्रह में आए थे तुम लोग दोनों से मिलने के लिए, बट 10 दिन हो गया है वो अभी तक उनका कॉन्टेक्ट नहीं मिला, इसीलिए मैं आ गया तुम लोग से मिलने के लिए। अरे वाह दोस्तों अब आएगा मजा, अब हम लोग एडवेंचरस चीज करेंगे। अरे यार एडवेंचरस होता है एडवेंचरस नहीं होता। अरे जो भी बोलिए समझ तो गए ना। अरे यार सिंचन भाई यहाँ पे एक मेरी तो फटी पड़ी है कि भाई मुझे फिर से फाइट उट करना पड़ेगा बड़े बड़े रोबोट से, और भाई इसको एडवेंचरस लग रहा है। और नहीं तो क्या, मजा आ जाता है ना दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताना, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर आएंगे लड़ने के लिए और उसके साथ हम लोग भी नीचे में चुटकु चुटकु लड़ाई करेंगे। चुप हो जा सिंचन भाई, मुझे डर लग रहा है गाइस कि भाई बम्बलबी और ऑप्टिमस प्राइम अभी कहाँ पे होंगे, किस हालत में होंगे। वो तो यार 10 दिन पहले यहाँ पे आ चुके थे अर्थ में, हम लोग से मिले क्यों नहीं भाई, वो कहीं मुसीबत में तो नहीं होंगे? इसीलिए तो मैं भी आ गया हूँ। चलो एक काम करो मैं गाड़ी बनता हूँ और चलो जल्दी से ढूंढने के लिए चलता हूँ ऑप्टिमस प्राइम और बम्बलबी को। अरे हाँ ठीक है जल्दी से गाड़ी बन जाओ। अरे यार भाई साहब इसका ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ही खतरनाक है भाई, ये आजकल के भाई ट्रांसफॉर्मर भी खतरनाक हो चुके हैं, ऐसे तो तोंद है बट लेकिन यार इसकी गाड़ी वाला डिजाइन तो बहुत ही कमाल का है। अरे हाँ फ्रैंकली भैया ये सच में बहुत ही कमाल का है। तुम लोग दोनों तारीफ कर रहे हो कि मेरी बुराई, मुझे समझ नहीं आ रहा ये छोटे इंसान लोग भी कितने पागल होते हैं। अरे यार अब तो ये मेरी बुराई कर रहा है, हम लोग को सिंचन ये पागल कह रहा है। अरे वो आपको कह रहा है, आपको पागल मुझे नहीं।
अरे यार वो तुझे भी कह रहा है, बट छोड़ भाई तुझे समझ का आएगा, तुझे तो सिर्फ मुझे चिढ़ाने से फुर्सत मिले तब ना। भाई साहब चलो जल्दी चलो। ए फ्रैंकलिन तुम कैसे गाड़ी चलाते हो, मतलब कि सच में उल्टा सीधा उल्टा सीधा। अरे वो फ्रैंकलिन भैया का स्टाइल है गाड़ी चलाने का। अरे यार सिंचन चुप हो जा भाई, किसी के सामने भी कुछ भी बोलता है भाई, इसके बड़े बड़े टायर है ना, इसलिए मुझे थोड़ा हैंडल में दिक्कत हो रही है। अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, ये ट्रांसफॉर्मर हमें ला कहां रहा है। अरे मुझे लगता है फ्रैंकलिन भैया ये ऑप्टिमस प्राइम के पास जा रहा है। ये बच्चा तो बहुत ही समझदार है, सही समझे बच्चे, मैं तुम्हें ऑप्टिमस प्राइम के पास ही लेके जा रहा हूँ, उसका लोकेशन यही से आ रहा है। लेकिन यार ये तो कबाड़ खाना है, यहाँ पे कहाँ पे होगा ऑप्टिमस प्राइम। मुझे लगता है उसका स्पेसशिप क्रैश कर गया होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये रह रहा होगा। अरे यार ये तो बहुत ही डेंजर बात है, तो यहाँ पे कहाँ ढूंढेंगे। उतरो और ढूंढो। अरे यार ये भी काम मुझसे ही करवाएगा, मजदूरी बना देना मेरे को। अरे आप मजदूर हैं ही, बनेंगे क्या। अरे यार सिंचन फिर बेइज्जती, चुप हो जा मेरे को मजदूर बना देता। अरे यार आप इतने बड़े भाई, इतने बड़े डस्टबिन वाले एरिया, मतलब कि आप यहाँ पे कबाड़ वाले खाने में मैं कहाँ से ढूंढूंगा। अरे क्या ही कर सकते हैं फ्रैंकलिन भैया, हमें मिशन मिला है तो करना तो पड़ेगा ही। अरे यार करना तो पड़ेगा ही, और ये देखो ट्रांसफार्मर कुछ नहीं करेगा, सिर्फ बैठ के पेट हिलाएगा। मेरा काम ही तो वही है। तुम्हारा काम है लॉस सेंटोस को रक्षा करना, ना कि पेट हिलाना। अरे ट्रांसफार्मर क्या तुम अंदर हो, ट्रांसफार्मर क्या तुम अंदर हो, बोलो ना यार तुम अंदर हो क्या। ये प्लेन है ट्रांसफार्मर, ये प्लेन है। अरे क्या फ्रैंकलिन भैया ऐसे गुस्सा इस समय क्यों निकाल रहे हो, जल्दी ढूंढिए ना। अरे चुप हो जा, एक तो कुछ मिल नहीं रहा, ऊपर से तू ढूंढने बोल रहा है। ट्रांसफार्मर तुम अंदर हो भाई, यहाँ से भी आवाज नहीं आ रहा भाई, कहाँ कहाँ से ढूंढे समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड ये झाड़ी के नीचे तो नहीं है ना सिंचन, कहीं तुझे मिला कहाँ। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया कहीं नहीं मिला। अरे यार सिंचन अब कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, चलो यहाँ ढूंढते। भाई साहब यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अरे यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक आज ऊपर ही चलते कंटेनर में। अरे यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा सिंचन। भाई साहब यहाँ तक तो देखते ऊपर से भाई, अगर ट्रांसफार्मर कौन सा गाड़ी में बदलता है सिंचन। अरे वो ट्रक में बदलता है। ट्रक में? अच्छा ट्रक में, ट्रक ट्रक ट्रक। एक सेकंड, और कलर कौन सा होता है। अरे ब्लू कलर होता है, ब्लू। और यार एक सेकंड भाई, सामने ही तो है एक ट्रक जिसका ब्लू कलर भी है, बट वो थोड़ा टूटा फूटा है। अरे लगता वही है, लगता उसका एक्सीडेंट हो गया होगा इसलिए ऐसा दिख रहा है। अच्छा भाई ऐसा है। अरे यार उसको बुलाओ, अरे उसको बुलाओ, मिल गया ट्रांसफार्मर। ये क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर ऑप्टिमस प्राइम मिल गए, ऐसा हो गया। ओ वाओ अब तो मजे ही आ जाएगा, अब हम लोग जंग जीत जाएंगे। ऑप्टिमस प्राइम अब कहाँ पे, ऑप्टिमस प्राइम अब छत पे है। ये लोग के साथ ऑप्टिमस प्राइम यहाँ पे है, कहाँ पे। अरे अकल के अंधे सामने देख, ये रहे तेरे ऑप्टिमस प्राइम। वेल बीबी ऑप्टिमस प्राइम मिल गई। अरे यार तुम हबीबी हो। नहीं वो तो मेरा स्टाइल है। अरे यार ये सब छोड़ो, जाओ अपने ऑप्टिमस प्राइम को नीचे उतारो। ठीक है रुको उतारता हूँ। देखो आ गए नीचे। अरे एक बात तो बताइए, ये ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहे, आप लोग की तरह रोबोट क्यों नहीं बन रहे। मुझे लगता है इसका रोबोट बनने का पावर खत्म हो चुका है, इसको ठीक करना पड़ेगा। और यार ठीक करने के लिए तो भाई एक मैकेनिक है भाई, वो बहुत ही खतरनाक ठीक करता है, वो सिमियन के शॉप में काम करता है बेनी, बट उसके पास लेके जाना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं आ पाएगा। तो कैसे लेके जाएंगे। अरे मेरे पास एक आइडिया है फ्रैंकलिन भाई, क्यों ना ये गाड़ी को पीछे लगा देंगे हम लोग अपनी गाड़ी में। तुम लोग मेरे पीछे ऑप्टिमस प्राइम को लगाने वाले हो, मेरा तो दम निकल जाएगा। नहीं अच्छा अच्छा तेरा दम निकलना भी चाहिए, उतना देर से कुछ काम नहीं कर रहा, ऊपर से मेरे से काम करा रहा है, यही कराओ अब। ये तुमने क्या किया, मेरे पीछे ऑप्टिमस प्राइम को लगा दिया। और नहीं तो क्या भाई, तुम इतने बड़े और इतने अच्छे खासे गाड़ी हो, ट्रक हो, तो तुम क्या ये ऑप्टिमस प्राइम को खींच नहीं सकते। गाइस देख रहे हो पीछे ऑप्टिमस प्राइम को खींच रहा है। अरे हाँ बहुत ही मजा आ रहा है, खींचो खींचो और खींचो, और जल्दी जल्दी शॉप पे लेके चलो, वहाँ पे जाके बेनी से इसे बनवा लेंगे। अरे हाँ यार बेनी से इसे बनवा लेंगे और इसे ठीक कर लेंगे, फिर शायद ये पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो पाएगा ये ऑप्टिमस प्राइम। ऐसा लग रहा है इसे बहुत ज्यादा चोट लगी है, लगता है इसका एक्सीडेंट हुआ है अर्थ में आते आते। हाँ ऐसा ही हुआ होगा, तभी तो ये कुछ बोल भी नहीं रहा और न इसका इंजन स्टार्ट हो रही है। और यार ये तो लगता बहुत ही बड़ा मुसीबत आने वाला है लॉस सैंटोस में। गाइजर मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या डिसेप्टिकॉन्स भी आने वाले हैं। हाँ फ्रैंकलिन बहुत सारे डिसेप्टिकॉन्स ऑलरेडी आ भी चुके हैं, देख के रहना कभी रात में वो लोग तुम्हारे पर हमला ना कर दे। अरे फ्रैंकलिन भैया ठीक है, रात में ना टॉयलेट करने आराम से जाइएगा। अरे चुप हो जा, तू सिर्फ यही सब क्यों सोचता है भाई, मैं टॉयलेट घर में करूंगा, बाहर जाके खेतों में नहीं करता हूँ मैं। नहीं आपका कोई ठिकाना भी तो नहीं है, कभी कभी आप बाहर चले भी जाते हैं नींद में।
चुप हो जा भाई, मैं ऐसा कभी नहीं करता। पता नहीं यार ये सिंचन को ये सब चीज कौन सिखाता है। कुछ भी करके भाई जल्दी से ये गाड़ी को लेके जाना होगा बनाने के लिए यार, वरना तो भाई ये गाड़ी की तो हालत ही ढिंचर पिंचर हो जाएगी। और यार ऐसा लगता है भाई कोई लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं, लगता है उन लोग को पता चल गया कि भाई हमारे पास ऑप्टिमस प्राइम है, और ये लोग लगते बहुत ही बुरे लोग हैं भाई। ये लोग हमें रास्ते में मारने लगे, भाई ये लोग कहां कहां से मारे समझ नहीं आ रहा। अरे फ्रैंकली भाई मारिए। अरे यार तू क्या मारिए, मेरे को अकेला छोड़ के तो छुपने के लिए चला गया, कैसा सिंचन है भाई, मुझे अकेला छोड़ के भाई ये भाग गया। ये ले मार 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 मार, और तू भी मर जा भाई, हमें अकेला भाई ऑप्टिमस प्राइम को छीनेगा। ये ले भाई, यहाँ पे हम लोग शॉप में बनाने के लिए, और ये लोगों को लगता है पता चल गया, और ये लोग यार गुंडे लोग हैं भाई, यार हमें बर्बाद करने के लिए आ गए, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये ले वो जो ऑप्टिमस प्राइम के पास जाएगा, ये ले भाई। यार इन लोगों ने मुझे गोली से छन्नी छन्नी कर दिया। अरे अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है सॉस लगा लिया, अब टमाटर सॉस के साथ खा जाऊंगा मैं। चुप हो जा सिंचन भाई, अब कुछ भी करके ऑप्टिमस प्राइम को बनाना पड़ेगा। एक काम करते जल्दी जल्दी बेनी को कॉल करते और यहीं पे बुलाते, आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, लगता लॉस सेंटर्स में बहुत लोगों को पता चल चुका है हमारे पास ऑप्टिमस प्राइम है। सो गाइस यार यहाँ पे बेनी आ चुका है और इसने कहा कि ये गाड़ी ठीक हो जाएगी, और भाई ये टॉप सीक्रेट रखे है बात को, अब चलो यार देखते हैं कितना देर में ठीक करता है। गाइस यार मुझे बहुत ही डर लग रहा है, यहाँ पे गाड़ी तो ठीक हो रही है बट यार ये गाड़ी की हालत बहुत ही खराब है। सिंचन ऑप्टिमस प्राइम ठीक तो होगा ना? अरे हाँ ठीक होगा, अगर वो ठीक नहीं होगा तो लॉस सेंटो समझिए गया। अरे हाँ यार पता नहीं कितने सारे डिसेप्टिकॉन्स भी आ सकते हैं, अब देखो होता है क्या। A few minutes later. So guys, यार फाइनली गाड़ी ठीक हो चुकी है भाई, ऑप्टिमस प्राइम अब आ जाओ जल्दी बन जाओ, और बेनी अब तुम आप जा सकते हैं यहाँ से। अरे बाप रे ये कितना बड़ा है सिंचन। अरे हाँ ये तो बहुत ही बड़ा है। तुम लोग दोनों का शुक्रिया दोबारा से मदद करने के लिए, और हमें माफ कर देना, हम लोग पृथ्वी पे आए क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिला है बहुत सारे डिसेप्टिकॉन्स पृथ्वी पे हमला करने वाले हैं, इसीलिए हमें बचाने के लिए आना ही पड़ा। नहीं भाई नहीं, आप लोग का शुक्रिया, आप लोग हमें बचाने के लिए आए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए। तुमने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, बट एक लास्ट काम और कर देना, हमारे साथी इधर उधर बिखर गए हैं, किसी को चोटें लगी हैं तो कोई अपने होश में नहीं है, बम्बल भी और भी बहुत सारे ऑटोबॉट्स हैं जो मिल नहीं रहे हैं, क्या तुम हमारे खोजने में मदद करोगे? अरे हाँ यार जरूर मदद करेंगे। हाँ मदद जरूर करेंगे। तुम लोग दोनों बहुत ही अच्छे हो, ऑप्टिमस प्राइम और मेरे तरफ से बहुत ही बड़ा थैंक यू। अरे यार कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस यार नीचे कमेंट करके बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ऑप्टिमस प्राइम का मदद करूं और इसका दूसरा एपिसोड लेके आऊं तो जल्दी नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो वरना वीडियो डाल देंगे, नोटिफिकेशन कैसे आएगी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, अपने दोस्तों से शेयर करना, और हाँ हमें फेसबुक में फॉलो जरूर कर लेना, डिस्कॉर्ड का सर्वर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।